तो गाइस जैसा कि आप सबने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा कि ये हमारे चैनल की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जी हाँ, इस पे मैं क्या बोलने वाला हूँ मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मैं पसंद हूँ या फिर हमारा चैनल पसंद है या फिर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने KTZSTV को 500 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। तो गाइस पिछले कुछ महीनों से मेरे को काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि आखिर मैं इतनी लेट क्यों वीडियोस अपलोड करता हूँ या फिर मैं वीडियोस अपलोड करके कहाँ गायब हो जाता हूँ। एंड कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं आलसी हो चुका हूँ। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। तो मैं आप लोगों को अपनी एक फैमिली मानता हूँ, तो मैं आप लोगों को आज सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जब से मेरी वीडियोस लेट अपलोड होना स्टार्ट हुई है तब से मैं डिप्रेशन पे था। जी हाँ, आप ये मत सोचना कि मेरा कोई ब्रेकअप हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लाइफ में ये सब नहीं होता। तो मेरे डिप्रेशन में जाने का दो रीजन था। फर्स्ट, कॉलेज का बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे को। सेकंड, आई गॉट अ 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स ऑन माय चैनल। जी हाँ गाइस, अभी एक ऐसा टाइम चल रहा था मेरे लाइफ पे कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कॉलेज को मैनेज कैसे करूँ, अपने चैनल को मैनेज कैसे करूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करूँ और अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करूँ। मतलब अभी मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि जिस चीज पे मेरे को मजा आता है वो चीज मैं कर ही नहीं रहा था। ना ही मैं वीडियोस बनाता था, ना ही मैं मूवीज देखता था, ना ही मैं एनीमे देखता था, ना ही मैं बाहर खेलने जाता था, सिर्फ घर पे। मैं सिर्फ घर पे रहता था और कुछ भी नहीं करता था, और घर पे रह रहे डीमोटिवेट होता था। सबसे पहले तो मेरे आंख के सामने मेरा चैनल ऐसा गिर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स है। अगर मैं वीडियोस डालता तो मेरा चैनल खत्म। मेरे को नहीं पता था कब मेरे को स्ट्राइक आएगी और मेरा चैनल खत्म। इधर मेरा कॉलेज मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था स्ट्राइक के कारण। तो अभी मैं कुछ महीनों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था एंड मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इसीलिए गाइस मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा लेट आती थी, उतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं रहती थी मेरी वीडियो पे क्योंकि मैं खुद डीमोटिवेट था। लेकिन बोलते हैं ना यार कि अपनी लाइफ को खुद ही ठीक करना पड़ता है, अगर मैं ठीक ही नहीं करूंगा तो वो चीज जाने ही नहीं वाली मेरी लाइफ से। तो या फिर एक दिन मेरी ऐसी न्यू सुबह हुई एंड मेरे को पता चल गया कि आखिर मेरे को क्या करना है एंड मैंने वो चीज किया एंड सब कुछ लाइन पे आ गया। मतलब कि मेरी स्ट्राइक्स रिमूव हो गई, मेरा कॉलेज मैनेज हो गया एंड जो मैं डिप्रेशन में हूँ शायद इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं बाहर आ जाऊं। क्योंकि अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट भी आ जाए ना आप लोगों के, मेरे को ये तो पता चल जाएगा कि अभी भी लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैनल की कोई लास्ट वीडियो नहीं है। ऐसा मैंने इसीलिए कहा ताकि आप लोग इस वीडियो पे रहो। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल से स्ट्राइक रिमूव हो चुकी है एंड अब आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी पे वीडियोस देखने को मिलने वाली है क्योंकि अब मैं अपनी सारी वीडियोस पे 100% देने वाला हूं। एंड गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप अभी तक इस वीडियो पे हो, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। तो यार सिर्फ इतना ही बताना था आप लोगों को कि आखिर मेरी लाइफ पे चल क्या रहा है, मेरे चैनल पे क्या चल रहा है कि वीडियोस इतनी लेट आ रही है, सिर्फ यही बताना था आप लोगों को। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा भी वो लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि अच्छा फील हो देख के। एंड या गाइस सिर्फ इतना ही बताना था आप लोगों को कि आखिर मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ चल क्या रहा था। बाकी तो मिलते हैं गाइस मेरी किसी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। हो सकता है वो वीडियो पे आप लोगों को आपका ओल्ड KTZSTV देखने को मिले। बाकी तो टेक केयर।